हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बालाजी लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, यूनिट कन्वर्जन। इसका हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और बेल के आइकन पे भी दबा लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर मिलती रहे और मैं ऐसे वीडियोस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस भी आपको लिए रेगुलर लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं वन बैग सीमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा एस्टिमेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आप लर्न कर लीजिए, ये हम कैसे निकालते हैं ये भी बता देंगे बाद में, क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताने बैठा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं जिन्हें डायरेक्ट कन्वर्ट करके मैंने नोट कर रखा है। तो वन बैग इजकल टू 1.226 CFT होता है। CFT भी बोलते हैं इसको, यानी कि क्यूबिक फिट या फिट क्यूब, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सेकंड पे। तो 1 टन इजकल टू 20 बैग्स होते हैं। 20 बैग्स यानी कि एक बैग में 50 kg होता है, तो ये 100 kg हो गया, सॉरी 1000 kg हो गया, और ये 10 kN होता है। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर इजकल टू 3.28 फीट होता है। 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू 10.27 फीट स्क्वायर होता है, और 1 मीटर क्यूब इजकल टू 35.314 CFT होता है, यानी कि क्यूबिक फीट होता है। आप चाहें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी ये आपका आ जाएगा। अगर इसे हम 3.28 × 3.28 भी करेंगे तो भी ये हमारा आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इंच की, तो 1 इंच इजकल टू 25.4 mm होता है, और इसे अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.0254 मीटर हो जाएगा, यानी कि इसे हम अगर 1000 से भाग कर देंगे मीटर में आ जाएगा, ये तो सिंपल है। अब अगर बात करते हैं 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 mm होता है, 1 मीटर इजकल टू 100 cm होता है, 1 kg इजकल टू 9.81 N होता है, 1 लीटर इजकल टू 61.0237 इंच क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 0.001 m³ आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है यूनिट में। फिर 1 यार्ड इजकल टू 3 फुट होता है, और ये अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.9144 मीटर हो जाएगा। कैसे चेंज किया जाता है ये मैं दूसरे वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी, 1 फुट इजकल टू 0.3333 यार्ड होता है, 1 हेक्टेयर इजकल टू 10,000 यानी कि 10,000 m² होता है, जो कि 2.47105 एकड़ होता है, और 1195 9.9 स्क्वायर यार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करते हैं 1 एकड़ इजकल टू 0.4046 हेक्टेयर होता है। ठीक है दोस्तों, 1 पाउंड इजकल टू क्या होता है, वो होता है 0.45352 kg होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं प्लेन एंगल की, तो एंगल में क्या होता है, 1 डिग्री इजकल टू 0.0174 रेडियन होता है। ठीक है, इसे RAD से भी नोट डाउन करते हैं। 1 m/s इक्वल टू 3.6 km/h होता है, 3.28084 फुट पर सेकेंड होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड क्या है, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स एंड 1440 मिनट एंड 86,400 सेकेंड होता है, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि जो सिविल इंजीनियर्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है, कि हमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन कौन सी यूनिट है, जो सारी याद करना तो बड़ा मुश्किल है, बट उतनी तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। पहला है 1 बैग इजकल टू 1.226 CFT। सेकंड, ये तीनों मीटर में जो है वो उनका भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियर के लिए। और पर्सनल, अगर पर्सनल लाइफ में पूछे तो जैसे यार्ड है, एकड़ है, हेक्टेयर है, तो इन सब का हम पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, बट ये यूनिट्स जो है हमने जो अभी बताई हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये आप लोग बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है या गवर्नमेंट
पेपर्स जो होते हैं हमारा एसएससी जेई, उसमें भी कभी कभी यूनिट पूछ लेते हैं या यूनिट कन्वर्जन आ जाता है, तो अगर हमें लर्न है तो हम इजली और आसानी से वो सवाल बहुत कम समय में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था यूनिट कन्वर्जन का पूरा, मैंने मैक्सिमम यूनिट जो थी वो कवर की हैं, जो रह गई हैं या जो छूट गई हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी यूनिट रह गई। आप लोग कोई डिमांड करेंगे किसी टॉपिक पे वीडियोस का, तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हम ऐसे ही जो वीडियोस आपके लिए लाते रहें वो